नमस्कार, यह है दिव्य हिमाचल टीवी और आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं अभी तक की बड़ी खबरों पर। एम्स के निर्माण कार्यों की समीक्षा। सुंदरनगर में पुरानी पेंशन की बहाली के लिए पदयात्रा। प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आपत्तियां व सुझाव मांगे। दुकानों के आगे सामान सजाया तो होगा जब्त। बच्चों के उत्पीड़न के 99 मामले। और अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा और निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव भारत सरकार राजेश भूषण ने संस्थान का दौरा किया। उन्होंने निर्माणाधीन शैक्षणिक और प्रशासनिक खंड, मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, छात्र व छात्रा हॉस्टल, ओपीडी का अवलोकन किया। उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक से सुसज्जित क्लासरूम, लेक्चर हॉल, स्किल लैब, रिसर्च लैब, सेमिनार रूम, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, परीक्षा हॉल, लेबोरेटरी, जनरल और प्राइवेट वार्ड आदि का निरीक्षण करते हुए निर्माण संबंधी संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। उन्होंने भविष्य की जरूरत के अनुसार अधोसंरचना को पूर्ण करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने नालियों और सीवरेज आदि व्यवस्थाओं से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की। सुंदरनगर के जवाहर पार्क में न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर पदयात्रा का आगाज किया। उन्होंने कहा ये पदयात्रा मंडी के बाद सुंदरनगर से होते हुए बिलासपुर में प्रवेश करेगी और शिमला तक पहुंचेगी। जहां पर 3 मार्च को एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, ये प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिप्रिय रहेगा। यात्रा का दूसरा दिन है और ये सुंदरनगर जवाहर पार्क से शुरू हो रही है और बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। देश के पहले प्रधानमंत्री के नाम पर ये पार्क है और इस पार्क से हम शुरू इस पदयात्रा को कर रहे हैं। आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी का हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत योगदान रहा है। उनसे प्रेरणा लेकर हम उनको पुष्प अर्पित करेंगे। उनसे प्रेरणा लेकर हम आज आगे बढ़ रहे हैं और हमारी ये पदयात्रा इसी तरह लगातार कल आज जो है हम सलापुर रुकेंगे, कल हम बिलासपुर रुकेंगे, इसी तरह हम जो 3 तारीख तक शिमला पहुँचेंगे और 3 तारीख को हमारा विशाल धरना जो है शिमला में होने वाला है। ये इस तरह से ही हमारे अन्य साथी जिस तरह से आज यहाँ सुंदर के हमारे और जिला कुल्लू से हमारे साथी आए हैं, कल हमारे साथ जिला हमीरपुर के और बिलासपुर के साथियों के साथ हमारी पदयात्रा शुरू होगी और कुछ पदाधिकारी हमारे जो है लगातार इस पदयात्रा में शिमला तक हमारे साथ चल रहे हैं। सोलन नगर निगम कार्यालय में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर विशेष बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सभी पार्षदों ने भाग लिया। बैठक में विशेष रूप से शहर के क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने को लेकर चर्चा की गई। नगर निगम सोलन के आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि नगर निगम सोलन के अधीन आने वाले क्षेत्रों में प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आज विशेष बैठक आयोजित की गई। इसके लिए 1 माह में शहर वासियों को आपत्ति और सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स संबंधित ड्राफ्ट नगर निगम की वेबसाइट पर डाल दिए जाएंगे। इसके अलावा नगर निगम के दफ्तर आकर कोई भी आम जन इसे ले सकता है, जिसके बाद लोगों की आपत्तियां और सुझाव मांगे जा रहे हैं, जिसकी समय सीमा 1 महीने रखी गई है। सिर्फ आज का जो स्पेशल हाउस ऑफ का एक ही एजेंडा था कि जो प्रॉपर्टी टैक्सेशन को लेकर जो बाईलॉज है उसका ड्राफ्ट हाउस में डिस्कस करना था ताकि उसको हम पब्लिक डोमेन पर डाल के रख सकें और जो 1 महीने के अंदर पब्लिक के जो ऑब्जेक्शन हैं उस पर वो आ जाएं ताकि उसको हम नेक्स्ट मंथ उसको फाइनल कर पाएँ। टैक्सेस को लेकर आइए तो हाँ जी प्रॉपर्टी टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स हाँ जी प्रॉपर्टी टैक्स की क्या रेट होगी, कौन सा सिस्टम फॉलो किया। इस बारे में अभी ड्राफ्ट में सारी आपको डिटेल अवेलेबल होगी, हम ड्राफ्ट की कॉपी जो है वेबसाइट में अवेलेबल करवा देंगे कल शाम तक और उसकी जो ड्राफ्ट की कॉपी है हमारे ऑफिस में अवेलेबल होगी, कोई भी जनरल पब्लिक इसको आके देखना चाहें देख सकते हैं और अपने जो कमेंट्स हैं सुझाव हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर दे सकते हैं। नगर निगम सोलन द्वारा शहर सहित आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण करने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई की जा रही है। ताज़ा घटनाक्रम में गुरुवार को निगम की टीम ने सप्रून में दुकानों से बाहर सामान सजाकर बैठे दुकानदारों के सामान को अंदर करवाया और भविष्य में इस तरह अतिक्रमण न करने की सख्त हिदायत दी।
निगम की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। गुरुवार को जिस बाजार में कार्रवाई की गई उसमें पिछले काफी समय से निगम को अतिक्रमण करने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। दोहरी दीवार से पावर हाउस रोड होते हुए सपरून स्थित गुरुद्वारे तक अधिकतर दुकानदार अपना सामान बाहर सजाकर बैठे रहते हैं। इस कारण न केवल वाहन चालकों बल्कि राहगीरों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। जाम की स्थिति भी बनी रहती थी। निगम की टीम ने भविष्य में कोताही पाए जाने पर सामान जब्त करने व चालान करने की भी बात कही है। उपमंडल स्तरीय चिल्ड्रन एडवाइजरी बोर्ड की एसडीएम संग्रह डॉक्टर विक्रम नेगी की अध्यक्षता में बैठक हुई। एसडीएम कार्यालय में हुई इस बैठक में पंचायत समिति संग्रह के अध्यक्ष मेलाराम शर्मा के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, कल्याण व पुलिस आदि विभागों के कर्मचारियों के अलावा व्यापार मंडल व पीएपीएन एनजीओ के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के दौरान पुलिस थाना संग्रह व अस्पताल सहित क्षेत्र के सभी विद्यालयों में व सरकारी कार्यालयों में चाइल्ड लाइन का नंबर 1098 प्रदर्शित किए जाने के निर्देश एसडीएम द्वारा दिए गए। इस दौरान दुकानों में बाल मजदूरी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। चाइल्ड लाइन सिरमौर की संयोजक सुमित्रा शर्मा ने बताया कि संग्रह में ब्लॉक चाइल्डलाइन सिरमौर की संयोजक सुमित्रा शर्मा ने बताया कि संग्रह ब्लॉक में पिछले 10 माह में बच्चों के उत्पीड़न व परेशानियों संबंधी 99 मामले सामने आए हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने वालों के नाम गुप्त रखे गए हैं।